हेलो दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में फिर एक बार और स्वागत है। और हम इस वीडियो में देखेंगे जैसे कंप्यूटर का जो जन्म है ना, जैसे कब हुआ था, जैसे कंप्यूटर का जो आविष्कार था वो किसने किया था। तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो चार्ल्स बेबेज ने किया था, है ना। जो चार्ल्स बेबेज थे ना, इनको जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जिनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है ना, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, जन्मदाता, है ना। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने फेडरेशियल इंजन नाम के जैसे एक मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। इसके बाद 1938 में यूनाइटेड स्टेट नेवी ने इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर का जो आविष्कार था वो किया गया था, है ना। जो कंप्यूटर आविष्कार है वो काफी पुराना चलता आ रहा है, जो 1822 से, है ना, 1822 से जैसे चार्ल्स बेबेज ने इसका आविष्कार शुरू कर दिया था, है ना। और तभी से इसका आविष्कार जैसे आज तक जो चल रहा है वो चलता हुआ आ रहा है ना। जो कि जैसे काफी अच्छे आविष्कारक थे इन्होंने, जैसे जो मैथ थी, और जैसे काफ़ी अच्छे प्रोग्रामर थे, और इन्होंने जैसे कंप्यूटर आविष्कार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, वह जन्मदाता जनक भी इन्हीं को कहा जाता है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कंप्यूटर जन्म कब हुआ था वो उन सारी बातों पर हमने इस बारे में डिस्कस किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।